हम सभी वातावरण में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, और एनवायरनमेंट के बहुत सारे पेड़ पौधे फूल फूलों के बीच में आप रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन आपको पता है, इसको सेव करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे दुनिया में कहते हैं कि जो हमारे जो एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे हैं, ये भी नर्चर होने के लिए या ग्रूम होने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए, इनको भी वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। और दुनिया में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, टू ब्रिंग हारमोनी बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड द एनवायरमेंटल नेचर। दोनों नेचर में हारमोनी कब आएगी? जब मेरा मन पूरी तरह से पीसफुल होगा, लवफुल होगा, और आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों में वही वाले वाइब्रेशंस चले जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे तुलसी का एक पौधा ले लें, आप कोई भी एक पौधा ले लें, उसमें कहते हैं बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो और औषधीय गुण को लोगों ने एक छूत के साथ या टच के साथ जोड़ दिया है कि अगर तुलसी के पौधे को गंदे मन से या ऐसे इस भाव से लगाया जाए तो सूख जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पौधों के लिए कहा जाता है कि अगर आप उनको ठीक उससे नहीं लगाएंगे, ठीक वाइब्रेशन के साथ नहीं लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक बार एक ऋषि ने एक राजा को कहा कि आप ना बीच बीच में आपको क्या करना है कि 5 पौधों को पानी देना है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये जो पौधों को आप पानी दे रहे हो ना, ये पौधों को पानी देते हुए सिर्फ पानी ही देना है, और पानी अगर आपको बीच में कुछ और बात याद आ गई तो आपको फिर से शुरू करना है। तो राजा ने कहा, ये कौन सी मुश्किल काम है, तो बहुत आसान है, और उसके बाद मेरे पास आपको आना, ये भी बोला था। तो सुबह का समय था, राजा ने निकाला पॉट जिसमें पानी था, पानी पौधे को देना शुरू किया। पहले तक तो याद रहा कि मुझे पानी दे रहा है, मैं पानी दे रहा हूँ, इतना याद रहा। लेकिन जैसे दूसरे पौधे पर गया तो उसको फटाक से उसने वो भूल गया, फिर से उसने पहले से शुरू किया। ऐसे फिर 2 तक पहुंचा, फिर तीसरे पर गया, फिर भूल गया, फिर वो पहले पर गया। तो ऐसे करते करते उसका आधा दिन चला गया, वो 5 पौधे तक पहुंच ही नहीं पाया। तो वो लास्ट में गुरुजी के पास कहा कि गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई मैं 5 पौधों को पानी कॉन्सनट्रेट होके नहीं दे पाया। कहता, आपका लक्ष्य पानी देना नहीं था, आपका लक्ष्य काम पूरा करना था। तो हम सभी भी काम पूरा कर रहे होते हैं और अकेले माइंड में दूसरा थॉट लेकर चल रहे होते हैं कि मुझे वो वाला काम ज़रूरी है। तो इस समय काम बस कर रहे होते हैं लेकिन माइंड में दूसरा थॉट चल रहा होता है, इसीलिए हम काम को सही तरीके से नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर सकते। इसीलिए पौधों को भी प्यार और उसके स्नेह और उसको बीच बीच में पीस की ज़रूरत होती है। तो जितना पीसफुल होके, जितना पावरफुल तरीके से स्नेह के साथ हम पौधे को पानी देते हैं, उसी हिसाब से वो ग्रो करता है। हमको लग रहा है मैं जो काम कर रहा हूँ सिर्फ वही कर रहा हूँ, उस समय मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। तो इस आप सोच लो कि पूरे वातावरण में फुल टाइम हम क्या सोच के काम कर रहे हैं। बस हम कैजुअल अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, काम कर देख दे दिया कर, लेकिन उस समय माइंड में फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, कोई पास्ट की बात चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो वो भी तो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रहा है, वो भी पौधे रिसीव कर रहे हैं, तो कहाँ से वातावरण शुद्ध होगा? सो वातावरण शुद्ध होने के लिए पहले अंदर का एनवायरनमेंट कंप्लीट क्लीन करो कि मैं जो एक काम कर रहा हूँ ना, यही कर रहा हूँ। इसलिए आप देखो, बहुत मैंने जो ब्रह्मा कुमारीज में आप जाके जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं, आप एक बार ध्यान से विजिट करके देखो, हर जगह एकदम इतना ज़बरदस्त ग्रूमिंग है, पौधे इतने खिले खिले लगते हैं, सारा कुछ इतनी ग्रीनरी लगती है, लगता है कि यहाँ क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, फर्टाइल लैंड भी नहीं थी, फिर भी वहाँ पर वाइब्रेशन के थ्रू, पीसफुल नेचर के थ्रू, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगता है। तो हम सब वातावरण को तब अच्छा दे पाएंगे जब अंदर का वातावरण, माना पीस, लव और हैप्पीनेस को ग्रो करेंगे अपने अंदर। और जिस समय जो काम कर रहे हैं वही करेंगे, यही तो मेडिटेशन का कमाल है। सो मेडिटेशन हमको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हाई करना सिखाता है, और जो जिस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ वहीं रहूँ। इसलिए ज़्यादातर लोग अतीत और भविष्य की बात करते हैं, परमात्मा हमको वर्तमान में जीना सिखाते हैं, कहते हैं यही आपका वर्तमान भविष्य भी बनेगा और यही पास्ट भी बनेगा। तो जब लोग याद करेंगे, इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कहेंगे बड़े ही इस तरीके से काम करते थे।
तो हम सभी माली ही हैं। आप ये मत सोचना कि गार्डनर आके गार्डन वो काम करता है, तो हम सभी भी पौधों को सींच रहे हैं, ऐसे पूरे वर्ल्ड को सींच रहे हैं, पूरे विश्व को सींच रहे हैं अपने वाइब्रेशन के थ्रू, तो एक माली तो हो गए। तो हम सारे माली अगर एक साथ मिलकर एक तरह से काम करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सेम वाइब्रेशंस जाएगा और पूरा वो एनवायरनमेंट बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा और उसमें जीने का मन करेगा। तो इसी शुभ भावना के साथ आप भी ग्रूम करें, आगे बढ़ें और जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।